सुपरफास्ट फ्यूचर्स के क्लोजिंग एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पे कालरा। तो आज बाजार के अंदर गिरावट का दौर थम नहीं रहा। ये संकेत कुछ ऐसे हैं कि जहां पे मुश्किल हो रही है आप शेयर्स को एवरेज करने में, इसलिए आप जी बिजनेस के साथ लगातार बनी रहिए। हमारी कोशिश तो यही है आपके जो फंसे हुए सौदे हैं उससे कैसे आपको बाहर निकाला जाए, या तो आपको फंसने ही नहीं दिया जाए। हम तो खैर कई दिनों से आपको आगाह भी कर रहे हैं कि आप बड़े सौदे मत लीजिए, छोटे छोटे पॉकेट्स में ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ कामकाज कीजिए। खैर आज मार्केट में बिल्कुल दिन अच्छा नहीं है उन बायर्स का जिनके पास पहले से पोजीशंस खड़ी हैं। जिनके पास पहले से पोजीशंस हैं उनके तो आज काफ़ी हद तक या तो स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होंगे या तो उनका पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक नुकसान में आ गया होगा। जिन्होंने होल्डिंग रखी हुई है, जिन्होंने शॉर्ट किया उनकी मौज है। फ्राइडे वाले सेशन के अंदर जिन्होंने पोजीशंस को कैरी किया अपनी शॉर्ट्स की, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। ये 24 घंटे से बाजार एक ऐसी दिशा में चला गया है जहाँ पे पुल बैक नाम का वर्ड ही खत्म हो गया बाजार के अंदर। दो दिन से तेज गिरावट है। आज भी आप देखिए निफ्टी करीब करीब 1.5% के आसपास के नुकसान के साथ ट्रेड कर रहा है। आज सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है उन्हीं से ही मिल रहा है जिन्होंने पहले बाजार को संभाल रखा था, यानी कि HDFC, यानी कि ITC, LNT, रिलायंस। ये कुछ दिग्गज शेयर ऐसे हैं जिन्होंने आज बाजार की गिरावट में पूरी तरह से भागीदार बनते हुए दिख रहे हैं। आज कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो आपको हरे निशान में दिखे। इक्का दुक्का पहले हमको सेक्टर दिख जाते थे, कभी थोड़ा फार्मा चल जाता था, कभी थोड़ा रियल एस्टेट चल जाता था, लेकिन आज तो चौतरफा बिकवाली देखने को मिल रही है। पिछले दो महीने से FIs ने करीब 28,000 करोड़ रुपए की सेलिंग तो सिर्फ कैश सेगमेंट में की है। FIs एक बड़ा सिरदर्द है और ये अब जब तक सेलिंग कर रहा है, हमने आपके सामने बात रखी थी कि कन्विक्शन मार्केट के अंदर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि DIs ने बाय किया ही नहीं, DIs ने उससे कहीं ज्यादा क्वांटम में बाय किया, लेकिन मार्केट के पास कन्विक्शन और FIs का जब स्ट्रॉन्ग होल्डिंग नहीं होती है तो कुछ इस तरह का शैलो मार्केट बन जाता है, जबकि खबर या थोड़ा सा भी डर बाजार को 100-150 पॉइंट नीचे लेके आ जाती है। सरकार स्टिमुलस पैकेज देना चाहती है, नाम नहीं बताना चाहेगी, लेकिन सेक्टर को सपोर्ट करना चाहती है। इससे फिस्कल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटा बढ़ सकता है, इसको लेकर थोड़ा सा तनाव है इंस्टीट्यूशंस के बीच में। ये अभी इसका पूरा आंकलन नहीं किया जा रहा। नॉर्थ कोरिया US को लेकर तनातनी अभी भी जारी है, कोई पूर्ण विराम लगता हुआ नहीं दिख रहा। कई सारे देश कोशिश ये कर रहे हैं कि घटना को आगे ना बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी जो बयानबाजी हो रही है उससे बाजार को नुकसान पहुंच रहा है। ये कुछ एक ऐसे की टेकअवेज हैं जो मार्केट को लगातार परेशान किए हुए हैं। और आज देखिए चाहे अच्छा शेयर हो चाहे बुरा शेयर हो, सबको पनिशमेंट एक समान मिल रही है और गिरावट है। हाँ, इक्का दुक्का सेगमेंट जहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं न्यूज फ्लो की वजह से है, जैसे कि कुछ चुनिंदा पावर कंपनीज आप देखेंगे, पावर ग्रिड, टाटा पावर, अदानी पावर, ये कुछ एक शेयर इसलिए ऊपर है क्योंकि यहाँ पे आज सौभाग्य स्कीम की प्रधानमंत्री मोदी आज घोषणा करेंगे। या आपके सामने जो ग्राफिक्स हैं ये वो बता रहे हैं कि FIs किस तरह से अप्रैल के बाद से लेकर अब तक हर बार सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ एक जुलाई का महीना ऐसा था जब उनकी तरफ से 1400 प्लस करोड़ की बाइंग आती हुई दिखी है, अदरवाइज सेलिंग थी। आज हमने सुबह सुबह संजीव भसीन से बातचीत की, हमने उनसे पूछा कि बाजार पर आपका व्यू क्या है, क्या ये और खिसकेगा। आप ही सुनिए संजीव भसीन क्या कह रहे हैं, बाजार कितना टूट सकता है। एशिया में जब वीकनेस थी तो आप आउट परफॉर्म कर रहे थे, अब वो सब रुक गया है बिकॉज रुपया वीक है, फॉरेन सेलिंग इज नाउ कंटिन्यूइंग अनअबेटेड, एंड थर्डली मैक्रोज में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है विद द टॉक ऑफ अ स्टिमुलस पैकेज जो एक मार्केट एक्सपेक्टेशन को शायद ना मीट कर सके, और अर्निंग्स में बिल्कुल ही कोई कैचअप नहीं है। तो वी थिंक द मार्केट इज स्टिल वेरी हैवीली ओवरबॉट और 9700 वुड बी द फर्स्ट टारगेट व्हिच वी वुड बी लुकिंग फॉर ऑन द डाउन साइड। आपको मेक और संजय सिन्हा की भी बाइट अभी सुनवाएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले ना कुछ एक इंपॉर्टेंट आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा वो भी आप देखिए। FIs का डाटा आपने देख लिया, अब जरा ऑप्शंस का डाटा दिखाइए। 10,000 से लेकर 10,100-10,200 कोई भी कॉल आप दिखा सकते हैं। ये सारी की सारी कॉल्स वो हैं जहां पे तेज गिरावट मार्केट के अंदर है। ये दो दिन से कॉल टूट रही है, ये फर्स्ट इंडिकेशन होता है जब आपको समझ लेना चाहिए कि कॉल राइटिंग हो रही है तो बाजार यहां से पुल बैक के मूड में नहीं है। ये हफ्ता एक्सपायरी का है, 28 तारीख को वायदा एक्सपायरी होने वाले, लेकिन किसी तरह का कोई भी संकेत अभी तक हमको नहीं दिख रहा जहां पर ऐसा लगे कि यहां पे कुछ पुल बैक के साइंस दिख रहे हैं। 70-80% का प्रीमियम यहां पे घटता हुआ दिख रहा है। एक और डाटा मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, वह है रिटर्न कार्ड। ये रिटर्न कार्ड हम बनाते हैं और ये सुबह हमने कुछ वायदा की कॉल्स आपको दी थी। आज का दिन बड़ा अहम है हमारे लिए, रिटर्न कार्ड बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि अपने आज हमने 6 में से 4 कॉल तो सेल की ही रखी थी। और इंपॉर्टेंट बात उसमें से यह है कि ये बाजार आज फ्लैट टू पॉजिटिव खुला था। सेंसेक्स तो 60 अंक ऊपर था,
निफ्टी 4 अंकों की मामूली गिरावट के साथ खुला था। उससे ठीक पहले हमने आपके सामने कॉल्स रखी थी और आपने अगर खुलते इन शेयर्स को सेल में बदला होगा, शॉर्ट किया होगा, तो आज आपके पास 50,000 रुपए से ऊपर की रकम होगी। इसलिए बहुत सिलेक्टिव होकर आपको ध्यान रखना है। ये सिलेक्शन हम बार बार बोलते हैं, सिलेक्टिव हो जाइए। इसलिए हमने इस शो को पूरा डिजाइन किया है ताकि आप समझ पाए कि इस समय बाजार के अंदर क्या करना है। संजय सिन्हा से हमने बात की थी आज सुबह, उनका व्यू क्या है जरा एक बार उनका व्यू भी सुनिए, उसके बाद फिर हम आज की कॉल्स लेना शुरू करेंगे आज के मेहमानों से। जरा एक बार संजय सिन्हा को भी सुनिए, वो मार्केट के बारे में क्या कह रहे हैं। मार्केट दूसरी तिमाही के रिजल्ट के पहले गिर रहा है, तो जब रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तो शायद वो बाजार के लिए एक समझिए कि उसने उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखा होगा अपने लेवल्स में, और ये काफी संभव है कि रिजल्ट सीजन के बीच में, अक्टूबर के बीच में या अक्टूबर के लेटर पार्ट में, जब ये ट्रेंड थोड़ा बहुत क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि जो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आएंगे, तो मेरे ख्याल से बाजार को एक सहारा मिलेगा। तो काफी लिक्विडिटी साइडलाइंस में है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से, जो कि बाजार में प्रवेश करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। ठीक है, बाजार में गिरावट पर लिक्विडिटी और हो सकता है लौट के आ जाए, क्योंकि लिक्विडिटी की तो खैर कमी नहीं है मार्केट में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरे साथ दो तीन में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सुमित बागड़िया हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि अभी ट्रेड कौन से बेहतर लिए जा सकते हैं, सुमित चौहान है एंजल ब्रोकिंग से, और मेरे साथ किरण यादव फोन लाइन से हैं। उनसे हम कुछ स्पेसिफिक ट्रेड समझेंगे और जानेंगे कि उन सौदों में कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। सुमित, मैं पहले आपके पास ही आ रहा हूँ। ये आज का दिन ट्रेडर्स के लिए अच्छा नहीं है, आज लगातार गिरावट मिली है। जिन्होंने शॉर्ट्स किया नो डाउट उनको एक ही सेशन में काफी पैसे बने होंगे उनके, लेकिन क्या एवरेज करने का समय है या अभी थोड़ा रुकना चाहिए? मैं फ्रेश बाय की तो बात ही नहीं कर रहा सर। मान लीजिए मेरे पास दो लॉट है, मैं तो आज दो लॉट की एवरेज करने के बारे में सोच रहा हूँ। सुमित, ये आपसे है सवाल, क्या एवरेज अभी करना चाहिए हमको? देखिए डिम्पी, ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा सेल ऑफ हमको देखने को मिल चुका है निफ्टी के अंदर। अभी प्रेजेंट लेवल से फ्रेश सेलिंग तो सजेस्टेड नहीं रहेगी। 9800 का इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। जब तक ये लेवल्स अभी नहीं टूटते हैं तब तक एक बार फ्रेश सेलिंग यहाँ पे अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ से पुल बैक एक देखने को मिलना चाहिए। अगर ये पुल बैक देखने को नहीं मिलता और 9800 के लेवल्स टूट जाते हैं तो 100 से 150 पॉइंट का निफ्टी में फॉल और मान के चले इसी हफ्ते के अंदर, और अगर पुल बैक आया तो हमें ऊपर में 9960 तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है। अभी प्रेजेंट लेवल पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है वो पुलबैक के लिए बाई साइड में है। 9790 का स्टॉप लॉस होगा, 9900-9960 तक के टारगेट्स हो सकते हैं 2 से 3 दिनों के लिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से अगर कोई कर सकता है तो ही ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, दोनों हिस्से आपके पास है। देखिए सुमित ने बिल्कुल साफ राय आपके सामने रखी है, आप रिस्क ले सकते हैं। आपका एपेटाइट कहता है कि हाँ हमको जोखिम लेके थोड़ा सा काम करना है, तो आप एक काम कीजिए 9800 का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट नीचे रखेंगे तो और कंफर्म हो जाएगा, इसलिए 9790 आपको दिया गया है, ये स्टॉप लॉस आपको रख लेना है। 9960 तक का पुल बैक है, अभी 10,000 के ऊपर आके टिकना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कॉल राइटिंग जोरदार है, इसलिए 10,000 पहुंचते तक भी बाजार पूरी कोशिश करेगा। 9960 का टारगेट है, ये सुमित की रिकमेंडेशन है। एक बार इनके ट्रेड भी समझ लेते हैं। सुमित, अपने शेयर भी आप हमको बता दीजिए। आईटी स्टॉक्स में डिफेंसिव बेट में आईटी स्टॉक्स चुना है, जिसके अंदर टीसीएस में एक अच्छा लगता है कि यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक ऊपर में 2600 और 2650 ये दो लेवल्स दिखा सकता है। 2450 के स्टॉप लॉस से टीसीएस के अंदर बाय की सलाह रहेगी। दूसरी तरफ पीएफसी पावर स्टॉक्स में आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पीएफसी स्टॉक वैसे ही स्ट्रांग है, यहाँ से और भी तेजी दिखा सकता है। 120 के स्टॉप लॉस इसके अंदर बाय की सलाह रहेगी, ऊपर में 135 का टारगेट रहेगा। ठीक है, 135 तक का टारगेट है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे। खबर आपको मालूम भी है, आज पावर के ज्यादातर शेयर चाहे डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे फाइनेंसिंग के हो, या फिर इक्विपमेंट बनाने वाले हों, वो इसलिए ऊपर है क्योंकि सौभाग्य स्कीम की आज अनाउंसमेंट होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को आधिकारिक इसका ऐलान कर देंगे। 2019 तक सभी गाँव को नवीनीकरण यानी कि उनका बिजलीकरण हो जाएगा, और उस बिजलीकरण के अंदर इन सभी कंपनीज को राज्य सरकारों को ये बोला गया है कि आप जल्दी से काम कीजिए, और उसके लिए कुछ सब्सिडी भी कंपनीज को दी जा सकती है। तो इसलिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक अच्छा कॉल है, ये फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों लिहाज से यहाँ पे ठीक लग रही है। और एक सुमित की कॉल है टीसीएस, ये अपने आप में आईटी हेज बन गया है क्योंकि करेंसी वीक हो रही है। आज ज्यादा नुकसान नहीं अगर, लेकिन आज की कमजोरी अगर कंटिन्यू हो जाती है तो हो सकता है कल करेंसी आपको थोड़ा और वीक दिखे। तो इसलिए टीसीएस एक बार ध्यान रखिए, आज गिरावट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा, 2650 तक का टारगेट है। किरण यादव मेरे साथ हैं, किरण आपके शेयर कौन से हैं?
अपोलो हॉस्पिटल जहाँ पे सेल करने की सलाह होगी, अपोलो में हमने काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है और उसी के साथ अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो 1020 के स्टॉपलॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाने चाहिए और टारगेट के लिए 982 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, 982 का टारगेट है अपोलो हॉस्पिटल पे आपका शॉर्ट का है। अच्छा किरण, आज आपने सुबह सुबह एंटिसिपेट कर लिया था कि बाजार में गिरावट आएगी या फिर ये बाजार में गिरावट का जो क्वांटम जैसे बढ़ा उसके बाद से आपने सेल कॉल निकालना शुरू किए हैं? ये नहीं, मेरा मानना है डिम्पी जी, हम गुरुवार को ही हमने एग्जिट कॉल दे चुके थे और आप ही के चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट कॉल दिए थे, तो हम शॉर्ट नहीं है। पर अभी निफ्टी में अभी शॉर्ट करने की जगह नहीं है, पर लॉन्ग करने की भी जगह नहीं है। मेरा मानना है कि जो 300 पॉइंट का गिरावट हमने दो दिन में देखा है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, तो थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, पर उधर से वापस एक बार दिक्वाली हावी होती नजर आएगी। ठीक है, वैसे मैं आपको ट्रेडर्स की बात बता दूं, इस समय ना तो शॉर्ट ना ही लॉन्ग करने के लिए ट्रेडर्स के पास कुछ ज्यादा फंड भी होगा, क्योंकि जो पोजिशन पहले से ही है उनको ही अभी एवरेज या उनको ही संभालना अपने आप में मुश्किल हो रहा होगा। तो इसलिए बड़ी पोजीशंस ना तो बनाएं ना तो गुंजाइश होनी चाहिए और अभी रुकना चाहिए। सुमित ने हमको राय दी है 9800 का एक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड, लेकिन उन्होंने ये बात साफ की है कि अगर आपका एपेटाइट है, आप इस पुल बैक को देखना चाहते हैं तो ही आप इसके अंदर उतरें, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये जो निफ्टी बाय या सेल आपके है ये कंपल्सरी नहीं है, ये सिर्फ राय है और आप समझिए अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए, तो आपको ट्रेड उसी हिसाब से लेना है। किरण, दूसरा शेयर बताइए जिसको आप शॉर्ट करेंगे, आपकी बात से लग रहा है आप शॉर्ट ही करोगे। बिल्कुल, ट्रेंड के साथ ही जाना चाहूंगा। इंडियन बैंक में भी काफी अच्छी बिकवाली देखने को मिल रही है, 267 का स्टॉप लॉस रहेगा और 252 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 267 ये पोजीशन अगर मेरे को अभी इंडियन बैंक में शॉर्ट करने लेनी हो तो अभी दो तीन लॉट ले लो या एक एक करके लॉट लू दो रुपए के गैप पे? अगर दो लॉट लेने तो अभी एक लेना चाहिए और 264 पे दूसरा लॉट लेना चाहिए। ठीक है, 264 पे दूसरा शॉर्ट करें, एक शॉर्ट अभी कर देते हैं 260 पे। ठीक है किरण, आज कोई ऑप्शन का सौदा है? नहीं, अभी तो कोई ऑप्शन का सौदा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, रणनीति बिल्कुल साफ है। किरण कह रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे कोई काम नहीं करेंगे, दो शेयर उन्हें ढूंढ लिए, आप भी नोट कर लीजिए। अपोलो हॉस्पिटल है 982 का टारगेट, इंडियन बैंक है 252 का टारगेट। शॉर्ट कैसे करना है आप एक एक करके दो दो लॉट करके एक साथ मत कीजिएगा, धीरे धीरे भी शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा, जैसे शेयर स्टॉप लॉस हिट करे तुरंत बाहर भी आना है, ये आपकी रणनीति होनी चाहिए। अब सीधा आ जाते हैं समित चौहान के पास। समित, आपका व्यू क्या है? आप तो पहले से ही कह रहे थे कि बाजार थोड़ा कमजोर होगा, आज बाजार ने रंग दिखाया, 24 घंटे के अंदर ही बाजार तेजी से टूट के नीचे आ गया है, अब क्या करना है सर हमको? आपके टारगेट हो गए अचीव? देखिए डिम्पी, यही एक रीज़न था जिसके वजह से हमने यू नो रीसेंट जो रैली आई थी उसमें हमने कॉशियस बायस हमारा मेंटेन रखा था और इंडेक्स में हम कोई भी एग्रेसिव लॉन्ग्स यहाँ पे हम यू नो लास्ट दो तीन महीने से नहीं बता रहे थे। इसका रीज़न यही था कि जब भी मार्केट यू नो करेक्ट होना चालू होगा वो सरप्राइजिंगली होगा और इतना शार्प होगा कि आपको यू नो एग्जिट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। और वही हमने लास्ट दो दिनों में देखा है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10,043 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट था और वहाँ पर हमें वो रिवर्सल मिल गया, तो हमें लगता है कि जो करेक्टिव मोड है वो और गहराएगा यहाँ से। इमीडिएटली तो 9700, बट हमें लगता है कि 9600 के नीचे भी ये करेक्टिव मूव एक्सटेंड हो सकता है, तो यहाँ पे हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी मेंटेन रखेंगे। यस, जैसे सुमित ने बताया कि 9800 9770 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से एक बाउंस बैक भी आ सकता है, बट हमें लगता है कि वो बाउंस बैक के लिए हम प्ले नहीं करेंगे। इनफैक्ट वहाँ पे शॉर्ट सेल की सलाह होगी, 9960 यहाँ से अगर 40-50 पॉइंट का बाउंस आता है तो सेल 9960 स्टॉप लॉस, इमीडिएटली 9750 और फिर 9680 के टारगेट। ठीक है, रणनीति बिल्कुल साफ है यहाँ पे। सुमित जो कह रहे हैं वो बात भी ठीक है, समित का बयान भी बिल्कुल ठीक है, बाजार के अंदर गिरावट आ सकती है, छोटा मोटा पुल बैक आया तो आप सुमित की कॉल को याद रखिएगा, वो कह रहे थे कि 9800 पे हमको एक बार बाय करना इस रेंज के आसपास आके, लेकिन ये स्मॉल पुल बैक ही होगा, इसलिए आप देखिए सुमित ने अगर हमको बाय करने के लिए बोला भी ना तो टारगेट 10,000 का क्रॉस नहीं करवाया, वो 10,000 के नीचे है क्योंकि उनको पता है कि 10,000 की कॉल के अंदर जो राइटिंग हो रही है, राइटिंग कहने वाले जो कॉल बेची जा रही है, बाजार को जो बेचा जा रहा है गंभीर है, इसलिए इसके ऊपर आना अभी मुश्किल हो सकता है, इसलिए स्विंग ट्रेड का फायदा उठाइए। अगर आपका कैपेसिटी अलाउ करती है तभी अवॉइड भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हर समय ही सौदा ले, दो तीन दिन छोड़ देंगे कहीं नहीं जा रहा है बाजार, रुक जाइएगा थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समित अपने शेयर्स बता दीजिए जरा हमको।
देखिए दो सेल साइड पे रहेंगे, एशियन पेंट्स जो एक अच्छे खासे रैली देने के बाद अभी उसमें नो क्लियरली वीकनेस दिख रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से एशियन पेंट्स में और वीकनेस गहरा सकता है, तो इसमें शॉर्ट सेल करने की सलाह होगी। 1220 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1160 होगा। सेकंड शॉर्ट कॉल कोटक बैंक में होगा जिसमें एक अच्छे खासे आउट परफॉर्मेंस है, हमें यहाँ पे अभी वीकनेस दिख रहा है। माइनर बाउंस पे सेल कीजिए 1012 के आसपास, टारगेट 976, स्टॉप लॉस 1030। और थर्ड होगा वो कॉन्ट्रा बाय कॉल होगा, बट हमें लगता है कि ये स्टॉक उसका आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखेगा। बजाज ऑटो 3000 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय लेना चाहेंगे बजाज ऑटो में, टारगेट 3120, स्टॉप लॉस 2974। ठीक है, आप कोई बाय ढूंढ रहे हैं ना, तो बजाज ऑटो है आपके लिए बाय, आप यहाँ पे भी ध्यान रख सकते हैं। तो एक बजाज ऑटो पे ध्यान रखा जाए, ये कॉल बाय की कॉल है। वैसे अभी तक जितने भी एनालिस्ट हैं जिनसे पूछा है कॉल, हमको सेल की कॉल्स ज्यादा मिल रही हैं। सुमित की दोनों कॉल्स भी आप दिखाइए, वो भी बाय की है। मार्केट में ऐसे लोग भी हैं जो इस पुलबैक को एक बार देखना चाहते हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, सुमित की कॉल दिखा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और TCS दो कॉल्स उन्होंने दी है जिसपे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। तो कुल मिला के जितनी भी कॉल्स हम तब तक डिस्कस की हैं उसमें से 6 कॉल्स हैं, 3 बाय की जो आपके सामने रख रहे हैं। फर्स्ट इज TCS, सेकंड इज PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, थर्ड इज बजाज ऑटो। ये 3 शेयर हैं जो कि बाय के लिए मिले हैं। शॉर्ट कॉल है अपोलो हॉस्पिटल्स, आप इंडियन बैंक को शॉर्ट कर सकते हैं। एक शॉर्ट कॉल हमको मिली है एशियन पेंट और कोटक महिंद्रा बैंक। आप भूल जाइए एक बार जरा एनालिस्ट का नाम, आप सिर्फ कॉल याद रखिए कि किसको शॉर्ट करना है, किसको लॉन्ग करना है। 3 शेयर TCS, PFC, बजाज ऑटो बाय, इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, इंडियन बैंक, एशियन पेंट एंड कोटेक, ये चारों सेल हैं। तो 6-7 कॉल्स हैं, इसी के बीच में ट्रेड ढूंढ लीजिए। नहीं है तो जस्ट अवॉइड इट, थोड़ा रुक जाइएगा, एक बार सेटल हो जाने दीजिए बाजार को, तब ज्यादा अच्छा दिखेगा। समित, कोई ऑप्शन का सौदा है आपके पास? जी हाँ, सन फार्मा में है, जो हम बताते आ रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल स्टॉक हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छे खासे मूवमेंट दे सकती है, और सन फार्मा उसमें से एक है जो ऑलरेडी बॉटम आउट हो गया, ऐसे हमें लग रहा है। तो अच्छा पुलबैक मिला है लास्ट 2-3 दिनों में, 500 का आसपास अच्छा सपोर्ट है, तो इसमें 500 की कॉल, इन द मनी कॉल यहाँ पे बाय की जा सकती है, 12 रुपये के आसपास मिल रही है, 5.5 स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 32 से लेकर 35 का होगा। ठीक है, ये सौदा भी आप नोट कर लीजिए, जैसा सन फार्मा वाला, ये कॉल है जो कि 500 के स्ट्राइक की कॉल है। अगर आप कम जोखिम के साथ छोटा सौदा एक चाहते हैं, वैसे भी फार्मा एक डिफेंसिव है, आप सन फार्मा के अंदर एक सौदा खड़ा कीजिए, सीधा मत लीजिए, लॉट साइज बड़ा है, मुश्किल है, मार्जिन मुश्किल है, समझ सकते हैं आपकी बात। 500 की कॉल एक बार देखिएगा, 13 रुपये में मिल जाएगी आपको, 35 का टारगेट, 5.5 का स्टॉप लॉस है। तो सन फार्मा वैसे 500 के ऊपर थोड़ा ठीक भी लगता है, तो 500 की कॉल को एक बार आप देख सकते हैं, 13 रुपये की रेंज में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है किरण, शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपने कॉल्स हमको बताई, दोनों सेल कॉल्स हैं आपकी, तो अपोलो हॉस्पिटल एंड इंडियन बैंक। समित से हम आगे भी बातचीत करेंगे, सुमित आपसे भी हम कुछ और कॉल्स हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक का समय हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे ना तो कमोडिटीज मार्केट का अपडेट भी आपके सामने रखते हैं।